और नेहरू प्लेस में आप जानते होंगे, मेरे जीवन में कहानियां बहुत हैं। जब हम नेहरू प्लेस फोन लेने गए तो हमने देखा कि टैब का हम कवर लिया हमने, तो टैब का कवर उसने 2000 रुपये का दे दिया, 18000 का कवर। हम जब बाहर निकल के आए, उसने बाहर से मंगवाया, जब हम बाहर निकल के आए तो दुकान पर देखा 200 का मिल रहा है। पिताजी ने कहा हम तो इतने का लाए, वो दुकानदार बोला जो बाहर रेडी लगाते हैं कि हमसे ही तो लेके गया, उस दुकान से लाए होंगे कि हाँ भाई साहब मैं तो क्या ही कर सकता हूँ, मेरा हल्का फुल्का शरीर। पिताजी गए भाई साहब नेहरू प्लेस के अंदर, उन्होंने अपनी धौंस से बॉडी थी इतनी जबरदस्त 6 फुट 4 इंच है, वो कवर वापस कर दिया 2000 रुपये का, और बाहर से फिर हमने 200 का लिया वो। तो वहाँ पे फिर हमने टैब ले लिया, उसके बाद फिर टैब तो जीवन में आते रहे, बहुत सारे टैब लिया। फोन की कहानी कहाँ से शुरू होती है, फिर हमने पिताजी को कहा यार एक फोन भी अच्छा होना चाहिए, हमने HTC का फोन लिया और हमने कमाना शुरू कर दिया था उस टाइम पे। लेकिन हम कमाने के बाद भी हमेशा परमिशन पिताजी से ली, आज भी पैसे मैं पिताजी से लेता हूँ, सब कुछ जिम्मेदारी उनकी है। मुझे फोन लेना तो मैं उनको कहूँगा यार मुझे एक फोन लेना है, हर चीज। आज भी मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि जब तक वो है तो बॉस वही रहेंगे, मुझे ये चीज कॉन्फिडेंस देती है। और मैं आप सबको भी ये सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि पिता उस सूर्य की तरह है, पता है जब तक वो रहता है ना तो जीवन में चमक बनी रहती है, नहीं तो अंधेरा छा जाता है। गर्म जरूर है, डांटेंगे, हम खूब पिटे हैं, ऐसा नहीं है कि पिटे नहीं आज भी दर्द हो जाता है, लेकिन जो पिता का प्रेम है वो अतुलनीय है, सबके लिए वही होता है। और जो लोग पिता की रेस्पेक्ट करते हैं, उन्हें प्रेम देते हैं, वही जीवन में बहुत आगे जाते हैं, वही चमकते हैं। अब उसके बाद की कहानी आ जाती है कि जब फोन आया तो हमारे पास HTC आया, जीवन में कोई आया तो वो बड़े रौले में आया। अरे आईफोन की बात अलग होती है, हमें उस टाइम तक आईफोन समझ में नहीं आता, हमें लगता है इतना महंगा खर्चा है क्यों, मतलब ही नहीं बनता कोई, आईफोन की बात अलग होती है। तो हमने सन 2015 में सबसे पहली बार आईफोन 6 लिया। मैंने कहा यार आईफोन 6 होना चाहिए, कोचिंग हम पढ़ा रहे थे, ठीक ठाक हम अर्न भी करते थे, तो आईफोन 6 हमने 52000 रुपये का लिया। पतला सा फोन आता था, बीच में बटन होता था। अब उस फोन को लेकर के तो आपको पता ही है हमारी स्थिति क्या हो गई उस वक्त 2016 में, हम जॉब ज्वाइन करने चले गए, हालात खराब होते चले गए। जब हम दोबारा आए 2017 में तो हमें आईफोन 6 अपना बेचना पड़ा, जब हमने रूम में कोचिंग स्टार्ट की, बहुत हालत खराब हो चुके थे। फिर हमने वो आईफोन 6 बेच दिया था, उस टाइम वो आईफोन 6 20000 का बेचा था, उसको प्रॉपर्टी डीलर वाले को पैसे दे के, फ्लैट के पैसे दिए और यहाँ वहाँ से जुगाड़ किया कुछ कुछ बेच के। तो आईफोन 6 के बाद कहानी शुरू होती है आईफोन 7 की, और बहुत लंबी या पुरानी बात नहीं है, 2017 की बात है, जुलाई अगस्त की आईफोन 7 आया। हमने पिताजी से 10000 रुपये लिए और उससे 10000 रुपये लिए और EMI पे हमने आईफोन 7 ले लिया। मैंने कहा ख्वाब बड़े होने चाहिए, 6 बिकाए 7 आएगा। आईफोन 6 उसके बाद 7 हमने ले लिया, और 7 के 3 महीने बाद या 4 महीने बाद आईफोन 8 आया। 5-6 महीने के बाद ही शायद एप्पल ने लॉन्च किया बहुत जल्दी आईफोन X। फिर हमने सीधे आईफोन X लिया 84000 रुपये का, सीधे आईफोन X। तब से अब तक मैं ज़्यादा डब्बे तो नहीं ला पाया हूँ, बट मैं मैक्सिमम चीज़ों के डब्बे मेरे पास साथ रहते हैं। अगर आज ये टी शर्ट भी आप एक साल बाद आके पूछेंगे कि इसका टैग कहाँ है, पता नहीं, मेरी खराब आदतें हैं अच्छी, बट फोनों के डब्बे, टी शर्ट के टैग, सब कुछ मेरे पास रहता है, मैं फेंक नहीं पाता। मैंने जीवन में वो वक्त देखा है कि इस डब्बे के लिए भी बड़ा प्यार है, रिस्पेक्ट है। आपको मैं अपना फ़ोन भी दिखाऊंगा, एक साल से यूज कर रहा हूँ, कहीं एक सिंगल स्क्रैच नहीं पाएंगे, और मैं कोई फ़ोन बेचता भी नहीं हूँ, पास ऑन करता रहा, कजिन को दे दिया, छोटे बहन भाई हैं उनको, सबके पास मेरे फ़ोन, वो घूमते रहते हैं उस सिक्वेंस में, ठीक है। टीम में भी अब तो जाने लगी हूँ क्योंकि अब इतना दौर आ गया। और उस टाइम मैंने 2 फोन लिए, पता है पहले मेरा क्या कॉन्सेप्ट था कि आईफोन 7 और एक छोटा फोन सैमसंग का होना चाहिए, अब तो भाई पैसे कमा रहा है, तो फिर सैमसंग का C22 Pro लिया 25000 का। फिर थोड़े दिन बाद, 2 महीने बाद लगा ऐसा क्यों है कि एक महंगा और एक सस्ता दोनों महंगे होने चाहिए, तो मैंने नोट 8 लिया दिसंबर में, ये बात है दिसंबर 2017 की, नोट 8 और आईफोन X।